इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सहराठी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नफे सह को झज्जर जिले में योजनाबद्ध तरीके से गोली मारी गई। राठी उस वक्त अपनी कार में सवार थे जबकि अज्ञात बदमाश हुंडई i10 कार में सवार थे। बदमाश राठी के SUV पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। राठी को अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक है। पूर्व MLA नफे सहराठी जाटों के कद्दावर नेता माना जाता था। 2014 में इनेला से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली थी, जिसके बाद वह थोड़े समय के लिए BJP में शामिल हो गए थे। हालांकि BJP ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2018 में वह वापस इनेलो में आ गए। राठी दो कार्यकाल तक बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे। पिछले साल BJP के पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश राठी के आत्महत्या मामले में उन्हें मुख्य आरोपी घोषित किए जाने के बाद वह बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। नफे सह राठी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। जगदीश के परिवार ने कहा था कि नफे सह ने संपत्ति से जुड़े मामले में उन्हें परेशान किया, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। नफे सह राठी भारतीय कुश्ती संघ के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नफे सह राठी अपनी सुरक्षा के लिए रखे गए 3 प्राइवेट गनमैन के साथ अपने SUV में यात्रा कर रहे थे। उसी वक्त अज्ञात हमलावरों ने दूसरी कार में आए और बहादुरगढ़ में उनकी SUV पर गोली चलाना शुरू कर दी। इस फायरिंग में राठी के बॉडीगार्ड घायल हो गए। हमला शाम करीब 5 बजे बराही रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। पुलिस को संदेह है कि हमले के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगियों काला जठेड़ी का हाथ है।